हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो रिव्यू है वो मैं कर रही हूँ मेरी एक सब्सक्राइबर मिस हर्षिता कन्हैया के कहने पर। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है सोलासेफ सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल विथ SPF 50। तो ये वो प्रोडक्ट है, मुझे हर्षिता ने कमेंट्स में रेकमेंड किया था ये प्रोडक्ट, और उनके लिए स्पेशली आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो आई थिंक हम पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक काफ़ी ब्यूटीफुल और फैंसी पैकेजिंग है, और मैं इस पे पैकेज पे क्या लिखा है वो आपको पढ़ के दिखाती हूँ। तो सोलासेफ SPF 50 सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल स्किन ब्राइटनिंग एंड एज डिफाइंग एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी विटामिन ई फोटो प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA एंड UVB सुपर सिल्की टेक्सचर मैट फिनिश आइडियल टू यूज अंडर मेकअप डिक्रीजेस डेप्थ ऑफ रिंकल्स ब्लेंड्स विथ ऑल स्किन टोन स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो ये जो सनस्क्रीन है ये डेफिनेटली थोड़े मच्योर स्किन टाइप के लिए है, लेकिन नेवर्थलेस मैंने इसे ट्राई किया और इनफैक्ट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये आता है एक ट्यूब स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा कॉस्टली है अगर वैसे कहें तो, क्योंकि ये है ये एक 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और उसकी MRP है ₹599। मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी की काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव ही होते हैं। तो सोलासेफ सनस्क्रीन जो है वो आता है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और अगर मैं इस क्रीम के टेक्सचर की बात करूँ ना तो इट इज़ जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग। अगर आप स्वॉच करेंगे तो ये प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट एक येलोइश शेड का है, और इसको जब आप स्प्रेड आउट करते हो ना तो इसकी फील ही इतनी सुपर मॉइस्चराइजिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। और आपके स्किन में ये ऐसे अब्सॉर्ब हो जाता है जैसे आपके स्किन का ही पार्ट हो, तो आपको ना शेड दिखाई देगी ना कुछ दिखाई देगा, और इसी वजह से आई थिंक दिस मेक्स अ परफेक्ट सनस्क्रीन मेकअप के पहले यूज़ करने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को मैंने पिछले 2 हफ्ते टेस्ट किया है, मैंने अपनी स्किन पे भी टेस्ट किया है और मेरी मदर की स्किन पे भी मैंने टेस्ट किया है इसको, एंड दिस इज़ वर्कड आउट रियली ब्यूटिफुली। इसका एक रीज़न है कि ये वाटर प्रूफ है, तो अगर आप इसको लगा के अगर सन में जाते हैं तो अगर आप स्वेट करते हैं तो ये वॉश ऑफ नहीं हो जाता। एक और क्लेम है उनका रिंकल्स को लेके, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन तो रिंकल्स भी है ना वो उतने शार्पली नज़र नहीं आते, तो आई थिंक इवन दैट क्लेम इज प्रिटी ट्रू। वन थिंग हवेवर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि ये सनस्क्रीन लगाने के बाद मुझे टैनिंग बिल्कुल नहीं हुआ, टैनिंग की प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं हुई, क्योंकि मेरा फेस क्या है, बिकॉज आई एम स्लाइटली फेयर तो मैं जैसे ही धूप में जाती हूँ ना टैनिंग एकदम इमीडिएटली पता चल जाती है मेरे स्किन पे, और इसकी वजह से आई वुड से व्हेन आई यूज दिस पिछले 2 हफ्ते तो टैनिंग की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। ये 50 होने के कारण द प्रोटेक्शन इज़ रियली हाई। अब जब भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो SPF 30 एंड अबाव ही आप यूज़ करें, बिकॉज इंडियन कंडीशंस के लिए हमारा सन जब निकलता है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग निकलता है, तो इसीलिए सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आई थिंक SPF 50 इज़ ग्रेट, इट इज़ लाइक द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। अगर आप मेकअप यूज़र हैं देन दिस इज़ समथिंग यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके ऊपर मेरा मेकअप इतना ब्यूटिफुली गया है और मुझे मतलब ऑलमोस्ट हिला नहीं है जगह से, क्योंकि सनस्क्रीन की तरह ये ना मेल्ट हुआ है ना मुझे रीअप्लाई करना पड़ा है। सो व्हेन इट कम्स टू यूजिंग मेकअप डेफिनेटली आई विल बी गोइंग बैक टू दिस सनस्क्रीन अगेन एंड अगेन। वन मेजर ड्रॉबैक इसकी हवेवर ये ज़रूर है कि हम जब इसको अपनी स्किन से निकालते हैं तो बिकॉज़ ये वाटर प्रूफ है ये पानी से हिलेगा नहीं जगह से, डेफिनेटली आपको डबल क्लेंस करना पड़ेगा। डबल क्लेंस मतलब आप जब पहली बार इसको वॉश ऑफ कर रहे हैं तो ऑयल बेस्ड क्लेंजर आप ज़रूर यूज़ करें। तो जो लोग थोड़े लेजी हैं ना मेकअप रिमूव करने के बारे में,
तो शायद फॉर देम ये थोड़ा पेनफुल होगा क्योंकि ये पानी से जगह से नहीं हुलता. मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने काफ़ी तरह के इनफैक्ट क्लेंजर्स भी ट्राई किए जो फोम बेस्ड हों, जो थोड़े मिल्की बेस्ड हों, लेकिन नहीं, जब तक मैंने मेरा ऑयल बेस्ड क्लेंजर नहीं ट्राई किया तब तक ये कम्प्लीटली उतरा नहीं. और देन इट इज़ डेंजरस कि आप ऐसे ही छोड़ जाते हो आपके स्किन पे सनस्क्रीन हो या कोई भी प्रोडक्ट और रात को सोते हो तो उसकी वजह से फिर आपकी स्किन को रेपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं, आपको शायद पिंपल वगैरह आ सकता है. बट ओवरऑल एक्सेलेंट प्रोडक्ट एस्पेशली फॉर वेमेन जो 35 एंड अबव की एज की हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा रिंकल मैनेजमेंट के लिए या फिर पिगमेंटेशन और टैनिंग के लिए. ठीक है, टैनिंग की प्रॉब्लम तो सबको होती है, या फिर आप पिगमेंटेशन कहें या वो एक मैच्योर स्किन के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो इस प्रोडक्ट में डेफिनेटली मुझे मिली है. ये प्रोडक्ट मुझे डेफिनेटली वर्थ द प्राइस लगा, एस्पेशली आई वुड से मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी के स्किन पर इसने ज़्यादा काम किया है. प्रॉपर सनस्क्रीन है ये, टैनिंग नहीं होती स्किन पे, ब्यूटिफुली आपके स्किन को कवर करता है एंड आई जस्ट थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स दैट आर देयर आउट देयर एंड आई थिंक विद इन 599 फॉर दिस इज प्रिटी गुड, बट फॉर वुमेन अबाउ 35. तो बस यही है मेरा आज का छोटा सा रिव्यू. होपफुली हर्षिता आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. अगर आपको और कोई सवाल है इस सनस्क्रीन को लेके तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं डेफिनेटली उनका जवाब दूंगी. मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.